अभी हमारा आज 10 तारीख है, मॉनसून का अभी हमारा फोरकास्ट उड़ीसा के लिए नहीं दिया गया है। अभी आज जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो जैसा आपका आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब स्टेट्स में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में मॉनसून आज एडवांस हुआ है। और बाकी हमारा अगला 2-3 दिन में नॉर्थ वेस्ट सिक्किम और नॉर्थ बंगाल का कुछ पोर्शंस में होने का चांसेस है, ये फोरकास्ट है। बाकी हमारा मॉनसून फर्दर जो प्रोग्रेस के लिए, उड़ीसा के लिए कोई फोरकास्ट अभी नहीं दे किए है। अभी जो है हमारा अगला 4-5 दिन में तो नहीं है, क्योंकि अगला 4-5 दिन में हमने आपको तो ऑलरेडी हीट वेव का वार्निंग भी दिए है, तो अभी रेनफॉल भी कम रहेगा, केवल एक दो जगह करके ही रहेगा। आज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का ज़्यादा चांसेस है, बट कल भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश एक दो जगह करके होगा, बट कंपेरेटिवली 11 मीन्स कल और परसों 11-12 में कम रहने का चांसेस है। 13 में फिर साउथ 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 में जैसे मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंग उस तरफ स्लाइट इंक्रीज कर सकता है। 14 में फिर साउथ उड़ीसा में स्लाइट रेनफॉल का इंक्रीज है। तो 4 दिन तक अभी हीट वेव वार्निंग हमारा नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, और हॉट एंड डिस्कम्फर्ट वेदर तो सभी जगह में, कुछ कुछ स्थान, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ स्थानों पर कंटिन्यू करेगा। भुवनेश्वर सिटी में भी हमारा अभी हॉट वेदर, डिस्कम्फर्ट टाइप वेदर है, क्योंकि टेम्परेचर भी स्वाभाविक से स्लाइटली हायर साइड है, और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, मीन्स हमारा ह्यूमिड टाइप वेदर है, तो डिस्कम्फर्टनेस ज़्यादा है। बट आज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का चांसेस है पूरी हमारा भुवनेश्वर में भी, इवनिंग बनाए सॉरी आफ्टरनून में इवनिंग का तरफ, तो डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। यही है अभी मॉनसून का जो फोरकास्ट जो हमारा है, जैसे जैसे आपका अपडेट आएगा वैसा दिया जाएगा, मॉनिटरिंग में है।